गाइस हाल में किस मूवी को देखूं यही सोच रहे हो? तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा 8 मार्च को आने वाली अनएक्सपेक्टेड मूवी शैतान, अजय देवगन की। तो चलो यार, इस एपिसोड में इस मूवी को पूरा डिकोड करेंगे, शूटिंग से लेके कास्टिंग तक, कास्टिंग से लेके बिहाइंड द सीन तक। और ये मूवी वर्थ है या नहीं, इस चीज को जानने के लिए गाइस आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कास्टिंग को लेकर। तो गाइस इस मूवी की कास्टिंग की बात करें ना, तो यार बहुत ही एक्सपीरियंस एक्टर इस मूवी को कास्ट करने वाले हैं। भाई मैं नाम बताता हूँ आपको, अजय देवगन, आर माधवन, ज्योतिका जैसे यार बहुत ही एक्सपीरियंस और पुराने एक्टर इसको कास्ट कर रहे हैं। और भाई इनकी एक्टिंग लेवल अलग ही होती है, और आप लोग तो इनकी मूवी देखते ही आ रहे हो बहुत पहले से, तो मेरे से ज़्यादा तो आप ही जान रहे होगे इस बारे में। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी को लेकर। गाइस अगर आपने इस मूवी का टीजर अगर पहले से देखा हुआ है तो आपको थोड़ा मोड़ा स्टोरी के बारे में तो पता चल ही गया होगा, लेकिन यार मैं आपको थोड़ा सा भी डाउट में नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं इस स्टोरी को पूरा क्लियर करूंगा और आपके डाउट को खत्म करूंगा कि एक्चुअली इस मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है। गाइस तो चलिए स्टोरी को डिस्कस करते हैं। तो शैतान एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी और थ्रिलर मूवी होने वाली है, और इसमें आर माधवन नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं, यानी जो शैतान का रोल है ना भाई वो आर माधवन कर रहा है। और आर माधवन की एक्टिंग स्किल तो आप लोग पहले से जानते हो भाई, थ्री इडियट यार पुराने कितनी मूवीज में वो काम कर चुके हैं यार, उनकी एक्टिंग लेवल एकदम धांसू है। तो एक्चुअली होता क्या है ना, आर माधवन अजय देवगन के घर पर इनलीगल तरीके से आ जाते हैं, मतलब कि उनसे परमिशन नहीं लेते और वो उनके घर पर रहने लगते हैं, और वो उनकी अजय की बेटी के साथ जो करते हैं ना भाई, उनके दिल और दिमाग पे अपना कब्जा कर लेते हैं, और वो जो कहते हैं उसकी बेटी वो करती है। अब अजय चाहते हैं कि वो मेरे घर से चले जाए, इसलिए बोलते हैं ए आर माधवन जी आप मेरे घर से चले जाओ। वो कहते हैं अरे भाई मैं गया यार जाने के लिए, अब लिटरली यार कोई क्यों यार नेगेटिव रोल अदा कर रहा था, बोलते भाई मैं गया यहाँ जाने के लिए आया हूँ, मैं यहीं रहूँगा और सबको मारूँगा ऐसा कहते हैं। और भाई वो उसकी बेटी को जो भी कहते हैं वो मानती है, और भाई लास्ट में तो यार अजय को एक थप्पड़ भी लगा। समझ रहे हो भाई, लिटरली स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है भाई, इतनी अच्छी स्टोरी यार मेरे को बहुत पसंद आई। और गाइस ओवरऑल बात करें तो यार मूवी बिल्कुल धांसू है, और गाइस इस मूवी को तो एक बार देखना तो बनता है, यानी यार बिल्कुल वर्थ है मूवी, एकदम एक बार तो इसको देखना बनता ही है। तो आप लोगों का पैसा तो बिल्कुल वेस्ट होने वाला नहीं यार, कहानी बहुत अच्छी है। और बात करें आप लोग इस वीडियो पे नए होना तो एक लाइक जरूर करके जाना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।